तुम्हारे मुंडे के ऊपर से बना रही हूँ। हाँ उधर टॉल गेट दिख रहा है। लेकिन तो पागल हो गई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रातू, अभी मतलब क्या बोलते हैं ना यहाँ पे, क्या बोलते हैं गुड्डू? गुड्डू क्या बोलो, बैकग्राउंड अरे बोलने से अरे जगह को क्या बोलते हैं? लहना विलेज। हाँ लहना विलेज में देख वाटरफॉल, मतलब ऐसे कुआं टाइप से, वो देखने के लिए जा रहे हैं। तो पूर्णिमा कहाँ हो तुम? हाँ इधर हो। और हम लोग ना इतना स्कूटी चलाए कि मेरा हाथ पैर सब दर्द कर रहा है। ठीक है, तभी हम लोग चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम लोग इधर आए हैं घूमने के लिए, और घूमने का घूमने भी हो जाएगा और थोड़ी देर के बाद हम चलेंगे। लहना में सबको पता होगा कि क्या है, तो हम लोग वही देखने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, नहीं पता। तो चलिए चल के देखते हैं वहाँ पे। तो आगे आगे चल रहे हैं दीदी, तो हम लोग कुछ नया चीज़ देखने के लिए आए हैं, पता नहीं क्या है। हम स्कूटी से सफ़र कर रहे थे तो हमें पता चला कि इधर कुछ नया चीज़ है, तो दीदी दिखाने के लिए जा रही है। ये रास्ता बहुत खूबसूरत है और थोड़ा सा खतरनाक भी लग रहा है और बहुत अच्छा है। अगर मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया तो तो चलो देखते हैं क्या चीज़ है। हम अभी तक रेस्टोरेंट नहीं पहुंच के इधर आए हैं घूमने के लिए। दीदी का हमेशा प्लानिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, मैं प्लानिंग चेंज नहीं क्यों, ठीक है, ये सब तो प्लानिंग में ही था। इधर ही ना देखो, 80 किलोमीटर सफर करने के बाद हम ये देखने के लिए आए, पता नहीं क्या चीज़ है ये। चलो अभी दिखाते हैं। तो ये खेती है तो देख ही लेते हैं, क्या पता है जी, हम यूट्यूब में ही देखते थे। अच्छा यूट्यूब में वायरल हुआ था क्या? हाँ। चलो चलते हैं। तो पानी जाता है, तब तो सूखा हुआ था ना हम लोग। हाँ। बंद होगा जी? नहीं, जिस दिन हम थे तो सूखा हुआ था ना था ना। अच्छा तुम बना रही हो अभी तक? हाँ। पागल रखो। अच्छा तो ये है नदी, नदी जैसा कुछ बंद, और अभी कितना चल चल के थक गए हैं। अच्छा हाँ थक गई हूँ, ठीक है। अरे अभी तो पहुँच रहे हैं ना। नहीं अरे मतलब थोड़ा सा थका इसीलिए भी लग रहा है ना, इतना देर से स्कूटी चला के आए ना, मतलब बैठ बैठ के थक गई हूँ। इसमें तो निकलने के लिए भी होगा ना। वाओ अच्छा बढ़िया चीज है। मतलब ये कृत्रिम चीज है, जो बोलते हैं मतलब कृत्रिम, मैनमेड। वाओ तो गाइस दूर से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा चीज़, कुएं जैसा कुछ चीज़ है जो झरना के तरह दिखाई दे रहा है। वाओ अच्छा लग रहा है दूर से। जूम करो इसमें। तो गाइस देखो ये कुआं जैसा कुछ है और वाओ बहुत बढ़िया लग रहा है। उसे म्यानमार का चीज़ इतना अच्छा होता है, मुझे तो लगा सिर्फ प्राकृतिक चीज़ ही अच्छा लगता है। वाओ वाओ वाओ
बढ़िया है, बहुत अच्छा है। वहाँ पे गंद भी मतलब ये फेंके हैं, बोतल वगैरह फेंकते हैं। देखो गंदा कर रहे हैं वो चीज़ को। फिर इधर से किधर निकलने वाले हैं? पता नहीं, नहीं इसमें वैसे वो कूद जाता है, उससे निकल भी जाता है, वो लोग ऐसे नहाता बहुत है। अच्छा उधर से निकलते होंगे, वही वाला है उधर से शायद। तो गाइस ये देखिए बहुत खूबसूरत क्या चीज़ है जो मतलब इंसान ने बनाया है, और ये बहुत मतलब ये चीज़ बन गया था फेमस, जो टूरिस्ट प्लेस होता है वही बन गया है ये वाला। लेकिन इतना ज़मीन के अंदर मतलब दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए मुझे लगा कि कुछ ये चीज़ होगा, अलग चीज़ होगा। अभी तो फिसलता भी होगा ना। हाँ वाह, इतने गांव और खेती के अंदर इतना खूबसूरत चीज़ कैसे हो सकता है यार। तो ये देखिए दीदी उतर रही है नीचे, बहुत खतरनाक तो लग रहा है लेकिन खतरनाक है नहीं। और यहाँ का नज़ारा मुझे बैकग्राउंड से बहुत अच्छा लग रहा है, धूप भी हो रहा है क्या। अरे मत उतरो, हमें फिर आगे भी जाना है, कुछ हो जाएगा तो। लेकिन इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, नहाने का तो मन कर रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, बहुत खतरनाक जगह है। ओके दिखाती हूँ, संभाल के। जल्दी आओ, घर पे डांट पड़ेगी, जल्दी आओ। सुंदर तो लग ही रहा है लेकिन डरावनी भी लग रहा है।